देखिए, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं उसका स्वागत हम करते हैं, और जो नतीजे आए हैं वो अपेक्षा अनुसार आए हैं, क्योंकि लोगों को जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश किया गया और दिल्ली से उसका प्रशासन चलाया गया वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उस निर्णय के खिलाफ फैसला होने वाला है, उसमें कोई आशंका नहीं थी। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन सरकार बनाते हुए दिख रही है, और जो कि मैं समझता हूँ कि लोगों की इच्छा अनुसार है। बाकी छोटे दलों का प्रभाव कम रहा है, पीडीपी का भी प्रभाव कम रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अब एक दो ही ध्रुव रहेंगे जम्मू कश्मीर एरिया में। एक हिंदुत्ववादी जो जम्मू की एरिया में है, बीजेपी के लोग हैं, बाकी जो सेक्युलर लोग हैं वो मिलकर सरकार चलाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज कश्मीर वैली की जनता हो या पूरे राज्य की जनता हो, उसने जो फैसला किया था उस तरह से उसने करके दिखाया है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हमारी बहुत निराशा हुई है। हरियाणा में आप जानते हैं कि एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि कांग्रेस की भारी जीत हो रही है, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट भी वही कह रहे थे, और एक माहौल बहुत अच्छा था, भाजपा के नेताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा था, किसान नाराज था, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे वहाँ भी थे, और शुरू के रुझान में कांग्रेस बहुत आगे दिखाई दे रही थी। अचानक एक आध घंटे में सब रिजल्ट जो है बदल गए, जिसके लिए हरियाणा की कांग्रेस पार्टी भी चुनाव आयोग के पास शिकायत करेगी कुछ हुआ है तो। लेकिन मैं जमीनी परिस्थिति नहीं जानता, जो आंकड़े आप लोग दिखा रहे हैं, जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, अभी अंतिम फैसला नहीं आया, लेकिन जो ट्रेंड रुझान दिख रहे हैं उससे शायद ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि हमारे जो हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो अभी भी, मैंने उनका बयान सुना, वो अभी भी उनका विश्वास है कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। क्या वजह आप मानते हैं कि